वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेकओवर एके सिमरन। सो कैसे हैं आप सब लोग? और आपने मेरी वीडियोस को इतना सपोर्ट करा, इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी। सेलिब्रेशन व्लॉग भी मेरा आने वाला है, सो कनेक्टेड रहना। 1K सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन वीडियो भी आने वाली है बहुत जल्द, तो आप बिल्कुल कनेक्टेड रहना और सपोर्ट करते रहना। और आज मैं आपके लिए एक मेकअप हैक्स लेकर आई हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत ही यूज़फुल हैक्स है कि जो छोटी छोटी आप गलतियाँ करते हो उसको आप कैसे करेक्ट करोगे। और जो हैक्स आपके कि आपको विंग आईलाइनर के हैक्स मिलेंगे इसमें, तो बहुत ऐसे हैक्स हैं जो आपके यूज़फुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। तो फ्रेंड्स, हैक नंबर 1, अगर आपको आई शेडो अप्लाई नहीं करना आता है प्रॉपर, तो आप एक स्पून ले सकते हैं और आपको एक ब्लेंडिंग ब्रश लेना है। स्पून को आप अपने आईलिड एरिया पे रखेंगे। नेक्स्ट आप ब्लेंडिंग ब्रश पे कलर पिक करेंगे और स्पून के अपर एरिया पे आप इसको ब्लेंड करेंगे। अब देख सकते हो एक शेप आ रही है ऐसे। उसके बाद आपको ऐसे ही नॉर्मल ब्लेंड करना है एंड पूरी आई पे आप एक ही शेड को ब्लेंड कर देना। अगर आप पार्टी लुक क्रिएट करना चाहते हो तो आप ऐसे ही एक शेप को ब्लेंड कर देना। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप इस पे नॉर्मल एक पिगमेंट पिक करना। इस पैलेट में से मैं एक पिगमेंट पिक कर रही हूँ। ये पिगमेंट मैंने पिक करा और अपनी आई पे ऐसे ही अप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हो 2 सेकेंड्स में ये आई पूरी रेडी हो गई है, जो आई शेडो रेडी हो गया है पूरा। तो आप भी ऐसे कर सकते हो एक स्पून एंड एक ब्रश की हेल्प से। तो सेकंड हैक हमारा है कि हम विंग आईलाइनर DIY तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी विंग आईलाइनर नहीं लगा पाते हो तो आपको सिर्फ एक टूथपिक लेना है और टूथपिक के आपको कॉर्नर जो होता है उसको लाइनर से पूरा भर लेना है। नेक्स्ट आपको ऐसे एक स्टैम्प करना है विंग बनाने के लिए, एक सिर्फ नॉर्मल स्टैम्पिंग करना है। आप देख सकते हो ये स्टैम्पिंग। उसके बाद आपको इसको अप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हो आपको विंग आईलाइनर लगाना रहेगा। बहुत ही इजी 2 सेकंड्स में ये लाइनर अप्लाई हो चुका है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हैक हमारा है कि अगर आपके पास जेल आईलाइनर्स और कलर्ड आईलाइनर्स नहीं हैं तो आप उसको कैसे बना सकते हो। आपको एक ब्यूटीफुल सी आई शेडो पैलेट ले लेनी है। नेक्स्ट आपको एक ये ड्योरा लाइन लेना है, चाहे आप पैक कॉस्मेटिक का ले लो चाहे इनग्लॉट का ले लो। करना सिर्फ आपको इतना सा ही काम है, एक पैलेट ले लेना है। उसके बाद आपको जो कलर का भी आईलाइनर बनाना है आप उसको बस एक स्वैच करेंगे और इसको ऐसे करके आपको पिक कर लेना है पाउडर को। नेक्स्ट आपको एक पैलेट पे लेना है इतना पाउडर, जितना आपको लाइनर चाहिए, जिस ड्रेस के अकॉर्डिंग चाहिए उस कलर को आपको स्वैच कर लेना है। नेक्स्ट एक बोन ड्यूरा लाइन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, आपको सिर्फ एक ड्रॉप ड्यूरा लाइन मिक्स करना है इसमें। नेक्स्ट आपका जेल लाइनर रेडी हो गया, कलर लाइनर रेडी हो गया। अब इसको हम मिक्स करेंगे और ये सीरियसली बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इसको आप अप्लाई कर सकते हो अपनी आई पे। आप देख सकते हो ये ग्रीन आईलाइनर बन चुका है हमारा। ऐसे ही आप और भी कलर्स के आईलाइनर्स बना सकते हो। ये हैक आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा अगर आप प्रोफेशनली भी वर्क कर रहे हो। एट द एंड मोमेंट आपके पास अगर कलर्ड लाइनर्स नहीं है तो आप ऐसे अपना कलर्ड लाइनर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब बारी है हमारे नेक्स्ट हैक की। फाउंडेशन हैक है ये हमारा। अगर आपका फाउंडेशन भी बहुत थिकनेस है, आपके फाउंडेशन में बहुत थिक हो रहा है फाउंडेशन जो है वो, आप इसको थोड़ा थिन बना सकते हो। आपको फिर से एक बूंद लेनी है ड्यूरा लाइन, इसको आपको 1 ड्रॉप डालना है और इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और अगर अगर आपके पास कोई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, कोई आपके पास ब्रश नहीं है, तो आप शैम भी यूज कर सकते हो। सी इसकी कवरेज फाउंडेशन की, रॉक गर्ल की फाउंडेशन एंड कवरेज इसकी आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी इसकी कवरेज है। ये फुल कवरेज देती है। मैंने कोई करेक्टर अप्लाई नहीं करा, कोई मैंने कंसीलर्स अप्लाई नहीं करे हैं, बट आप उसके बाद भी इसकी कवरेज देख सकते हो। एक स्मूथ सी फिनिश देने के लिए आप ऐसे ही हैंड से अप्लाई कर सकते हो अपनी फाउंडेशन को, फाउंडेशन भी आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो, आप देख ही सकते हो फुल कवरेज वाली फाउंडेशन है। आप हैंड से अप्लाई कर सकते हो, कोई इसमें आपके हैंड से अगर अप्लाई करोगे तो कोई पैचेस भी नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है और ब्रशेस नहीं है तो आप हैंड से अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा आता है ब्लशर हैक। ब्लशर हैक के लिए आपको ब्लशर चाहिए और एक ब्रश चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि हम ब्लशर कहाँ अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा सेलिब्रिटी लुक्स कि ब्लशर कैसे अप्लाई होता है, तो आपको ऐसे ही अपना हैंड रख लेना है, ऐसे आपको ईयर के टॉप पर और नोज़ पर हैंड रखना है और आपको ऐसे ही गाइडलाइन मिल जाएगी, ब्लशर अप्लाई कर देना है। तो देख सकते हो बहुत ही प्रीटी सी शेप मुझे मिल गई है ब्लशर की, तो आप भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो अपना ब्लशर। तो ऐसे ही मैं इस साइड को भी अप्लाई करूँगी, ऐसे ही आपको हैंड रखना है सेम डायरेक्शन पर और आपको अपने ब्लशर अप्लाई कर लेने हैं। और नेक्स्ट हैक जो हमारा है वो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको भी बहुत फंकी से कलर्स चाहिए अपने हेयर्स पर और अगर आप कलर नहीं करवाते हो, टेम्परेरी कलर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आपको बस एक कंसीलर लेना है। कंसीलर को आपको अच्छे से अप्लाई कर देना है। मैं अपने हेयर्स पे आपको करके दिखा रही हूँ, अच्छे से आप अप्लाई कर देना। मैंने कंसीलर अप्लाई करना है, उसके बाद आपको कुछ ऐसा सा ब्रश ले लेना है, उसके बाद आपको इस कंसीलर को नॉर्मली आपको पॉम करना है। नेक्स्ट मैं अपने हेयर्स को थोड़ा सा इस कलर में अगर बनाना चाहूँ तो ऑरेंज, बहुत गंदा कलर आ गया आप देना, पर मेरे पास आ गया अभी ये कलर, तो ये थोड़ा सा रेड की लुक दे देगा। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा पर्पल कलर ले लेती हूँ। आप देख सकते हो ये ब्यूटीफुल से कलर हो गया है मेरे हेयर पे। अगर आपको भी ऐसे ही फंकी लुक कलर चाहिए तो आप भी ये हैक ट्राई कर सकते हो। हैक, अगर आपको अपना आईब्रोज फिलिंग नहीं आता है तो आपको एक टेप ले लेना है, एक सीजर ले लेना है, उसके बाद आपको अपनी टेप को कट कर लेना है, स्मॉल स्मॉल सेक्शंस में टेप को कट करना, हेयर्स को पीछे रखना और अपने आईब्रोज पर, आपको आईब्रोज पर नहीं आईब्रोज के ऊपर आपको ऐसे शेप दे देनी है। नेक्स्ट आपको दोबारा से वैसे ही शेप दे देनी है, आईब्रोज के ऊपर मत लगाना, कहीं आईब्रोज मत निकाल लेना अपने। नेक्स्ट आपको फिर से एक टेप लेनी है और अपने यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेनी है और नेक्स्ट आपको फिर से एक टेप लेनी है, टेप पे टेप ले जाओ, फिर आपको इधर कॉर्नर पर पेस्ट कर लेनी है। अब आपको एक गाइडेंस मिल गई है, अब आप एक ब्राउन सा कलर पिक करना और आईब्रोज को अपने फिल करना, रफली आप इसको फिल कर सकते हो, आईब्रोज को फिल करना, ब्राउन कलर पिक करके आईब्रोज को अपने रफली फिल कर देना। आप देख रहे हो, अब मैं अपनी टेप को रिमूव करूंगी, आप भी अपनी टेप रिमूव कर देना, ऐसे में चले जाना फंक्शन से। आप देख रहे हो कितनी प्यारी सी शेप आ रही है। अरे बाप, तो ऐसे ही आपको अपने आईब्रोज फिल करने हैं। अगर आपके आईब्रोज की आपको शेप नहीं बनानी आती है तो ऐसे ही अपने आईब्रोज की शेप बनाना, ये हैक भी जरूर ट्राई करना, बहुत यूजफुल हैक है।
नेक्स्ट हैक, अगर आपको कॉन्टोरिंग करना नहीं आता है अपने फेस के अकॉर्डिंग, तो आपको फिर से टेप लेना है, फिर से आपको सीजर लेना है और टेप को इतना कट कर लेना है, यहाँ से पकड़ा करिए टेप को, यहाँ से पकड़ो और आपको कट कर देना है टेप। अब इस टेप को क्या करना है, कुछ नहीं, आपको इस टेप को सिर्फ पेस्ट करना है। आप देख रहे हो मैंने एक फिश फेस बनाया और टेप को पेस्ट करा। अब जो मेरा यहाँ ऊपर एरिया है, इधर मैं आप कॉन्टोर करूंगी। ब्रश ले रही हूँ एंड देखिए ब्राउन्जर ले रही हूँ, इसको आपको पिक करना है एंड ऊपर की तरफ को ऐसे आपको ब्लेंड कर देना है। पूरे यहाँ तक ब्लेंड मत करना, सिर्फ टेप के ऊपर, सिर्फ कॉर्नर्स पे इसको ब्लेंड करते रहना। अब टेप को रिमूव करना, आप देख सकते हो एक शार्प शेप बन चुकी है इस साइड को मेरे। और हमारा हैक आता है लिप शेड का। अगर आपके पास एक बहुत ही लाइटर शेड है, एक बहुत ही डार्कर शेड है, और अगर आप इन दोनों में से कोई भी शेड अप्लाई नहीं करना चाहते, नहीं पसंद करते, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा न्यूड, तो आप ये हैक ट्राई कर सकते हो। आप डार्कर शेड ले सकते हो, उसमें आप थोड़ा सा अपना लाइटर शेड मिक्स कर सकते हो। डार्क शेड प्लस लाइट शेड आपका ये न्यूट्रल शेड बन जाएगा। ये वाला शेड आप अपने लिप्स पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है मस्कारा है। अगर मेकअप करते टाइम आपका मस्कारा लगाते टाइम मस्कारा आपके नोज पे लग जाता है, आपके नोज पे मस्कारा लग जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको एक ईयरबड लेना है, मस्कारे को आपको थोड़ा ड्राई होने देना है। ये ड्राई होने के बाद एक आपको टोनर ले लेना है, या मेकअप रिमूवर भी ले सकते हो, बट मेकअप रिमूवर आपका नीचे का बेस भी रिमूव कर देगा। तो आप टोनर लेना, टोनर को थोड़ा स्प्रे कर देना अपने ईयरबड पर, उसके बाद आपको चेक कर लेना है। अगर ये ड्राई हो चुका है तो आपको नॉर्मली इसको क्लीन कर देना है, ये पूरा आपका इसको रिमूव कर देगा और आपका मेकअप जो है वो भी बिल्कुल स्पॉइल नहीं होगा। और अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हो। आप देख सकते हो इजीली मेरा मस्कारा जो लगा था वो रिमूव हो चुका है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हैक हमारा आता है ग्लिटर का और टेप बहुत यूजफुल रहती है हमारे लिए, मुँह बंद करने के लिए भी अच्छी रहती है। कई बार क्लाइंट ज़्यादा बोले ना कि टेप लगा दिया करो मुँह पर, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये टेप को अपने फिंगर पे फोल्ड कर लेना है, अप्लाई कर देना है अपने फिंगर पे, ऐसे करके अप्लाई कर देना। ध्यान रखना इसकी ग्लू नहीं हटनी चाहिए, ग्लू हटेगी बाद में मुझे मत कहना ये हैक तो यूजफुल नहीं था। नेक्स्ट, अगर आप ग्लिटर लगा रहे हो जब और बाय मिस्टेक आपके फेस पे ये ग्लिटर गिर गई है आफ्टर मेकअप, तो आपको ये टेप ले लेनी है। टेप को आपको जस्ट डैप 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 करना है और आप देख सकते हो पूरी ग्लिटर मेरी टेप पर ट्रांसफर हो चुकी है, बट मेकअप मेरा खराब नहीं हुआ। तो ऐसे ही आपको अपने हैक्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट हैक मेरा आता है हाइलाइटर का। आप हाइलाइटर लेना है और ब्रश ले लेना है। अब हमारा ये जो हाइलाइटर है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ना थिक हैं, मतलब वो अगर मैं यहाँ पे स्वैच कर दूंगी ना तो ये पूरे पार्टिकल्स ऐसे कैसे दिखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको टोनर ले लेना है, ब्रश ले लेना है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर आपको स्प्रे करना है टोनर को ब्रश पर, इसको थोड़ा सा आप ड्राई होने देना 2 सेकेंड्स के लिए, इसको ड्राई होने देना। उसके बाद आपको जो हाइलाइटर पिक करना है, रोटेट करके आप हाइलाइटर को पिक कर लेना। उसके बाद आप एक प्योरी सी हाइलाइटर की शाइन देख ही सकते हो, ये प्रॉपर एक लिक्विड फॉर्म पे हाइलाइटर शाइन देता है हमें। तो आप ऐसे ही इसको अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप लोग कहते हो कि बहुत ग्लॉसी ग्लॉसी इफेक्ट आता है वो ऐसे ही आता है। टोनर अप्लाई करके आप हाइलाइटर अप्लाई करोगे, ये हैक बहुत ही अमेजिंग है, आप बिल्कुल इसको ट्राई करना और मुझे बता जरूर देना कैसा लगा। कोई हैक देख देख कर आप ना सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ना आप मुझे कमेंट में बताओ कि कैसे हैक्स रहे हैं, आपके लिए यूजफुल रहे हैं या नहीं रहे, तो बता देना मुझे, बताऊँगी ना क्योंकि कोई आएगा। हैक हमारा आता है जो लोग कहते हैं कि हमारे अंडर आई पे बहुत लाइंस क्रिएट हो जाती हैं, उनके लिए हैक ये है कि आपको जब भी आप अपना फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो
और लॉकिंग करने से पहले जब आप लॉक पाउडर लगाते हो उससे पहले आपको आईज को अप करके उसको ब्लेंड कर देना है, एक स्मूथ सी फिनिश दे देनी है अपने अंडर आई एरिया पे। आईज को ऊपर रखना, लॉक पाउडर लेना हैंड पे। अब ऐसे उठा के आप पाउडर नहीं लगाओगे, एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव करोगे, ऊपर करके आईज को ब्लेंड रखना और इसके बाद आप इसको लॉक कर देना। इससे क्या होगा कि आपके अंडर आईज में कोई लाइन नहीं आएंगी। सो ये हैक भी बहुत यूज़फुल है, आप ज़रूर करके देखना। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो आप लोग करते हो मेकअप में, ये चीज़ें मत करना नहीं तो बहुत पछताओगे।